जय भीम साथियों, 60 लाख 11वीं कक्षा के दलित छात्रों के लिए खुशी की खबर आई है। अब उन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम में राशि ढंग से मुहैया कराई जाएगी और वह अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। मोदी सरकार के ताज़ा फैसले के मुताबिक वो दलित छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अपने हिस्से के फंड का पूरा योगदान देगी। 10वीं कक्षा के बाद के छात्रों के लिए बनी राष्ट्रीय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अब केंद्र सरकार 60% की निधि का अपना शेयर देगी, जबकि 40% राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। पिछले 3 साल से ये स्कीम लगभग बंद हो गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें केवल 10% हिस्सा दे रही थी। 90% राज्यों को देना पड़ रहा था, जो राज्य सरकारों के लिए बोझ बन गया था। इससे 60 लाख दलित छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। पर पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर काफ़ी हल्ला मचा, मीडिया में विस्तृत रूप से कवरेज हुई, कई सारे एक्टिविस्ट ने इसकी आलोचना की, बहुत सारे राजनेताओं ने इस पर बयान भी दिए। तो शूद्र चैनल पर भी हमने इसका विस्तार से विश्लेषण किया था और इस सब के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दलित छात्रों को उनका हक देना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्री मंडलीय समिति ने इस स्कीम के लिए 60% हिस्से देने का फैसला करते हुए अगले 5 साल के लिए कुल 59,000 करोड़ की राशि खर्च करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से लगभग 35,000 करोड़ केंद्र सरकार खुद देगी। 2020-2021 के सत्र से यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के अंतर्गत छात्रों के बैंक अकाउंट में जमा डायरेक्ट कराई जाएगी। इस स्कीम से 10वीं कक्षा के बाद से हर साल 60 लाख दलित छात्रों की ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा और साथ ही साथ हर छात्र को प्रति महीना 230 रुपये और 1200 रुपये के बीच सहायता राशि भी दी जाएगी। हर साल 60 लाख दलित छात्र यानी 5 साल में 3 से 4 करोड़ दलित छात्रों का फायदा होगा इस स्कीम से। इस योजना का स्वागत करते हुए नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स की महासचिव बीना पालिकल ने कहा है कि समय आ गया है कि इस स्कीम को कानूनी अधिकार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दलित छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह स्कीम आवश्यक है। अब इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तरह कानूनी अधिकार बनाना बेहद ज़रूरी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये स्कीम भारत की आज़ादी से भी पहले ब्रिटिश सरकार ने 1945 में शुरू करी थी, बाबा साहेब की मांग के बाद ही। तो बाबा साहेब की बदौलत आई इस स्कीम से भी ब्राह्मणवादियों को का जलना तो स्वाभाविक था ही, पर जब जब अधिकार के लिए हल्ला बोला जाएगा उन्हें झुकना भी पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, इस स्कीम के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट्स को, दलित छात्रों को ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमें हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ रखनी है, हल्ला बोलना है। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुजन समाज से जुड़ी, दलित आदिवासी बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आप हमें YouTube को छोड़कर Facebook और Twitter पर भी सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों।